इंद्रेश कुमार ने कहा है कि बीफ खाना छोड़ दीजिए, मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं रुक जाएंगी। तो मैं इंद्रेश कुमार जी से कहना चाहती हूँ कि जब नॉर्थ ईस्ट में अपनी राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है तो वहाँ पर कहती है कि ये इस पे कार्रवाई नहीं की जाएगी। मैं इंद्रेश कुमार से पूछना चाहती हूँ, गोवा में जब इस तरीके के काम होते हैं तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? तो ये जो दोगली बात करना है कि एक तरफ आप कहते हैं कि खाना बंद कर दें, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम लोगों के जो संस्कृति है उसका सम्मान करते हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरीके का ध्रुवीकरण जो हो रहा है और गौ के नाम पे हत्याएं हो रही हैं, उससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस और कांग्रेस अध्यक्ष नफरत की राजनीति कर रहे हैं। ये तो उनकी आदत ही रही है, जो 1980 के दशक से जो राजनीतिक दल उभर कर आया वो सिर्फ नफरत और हिंसा वाली राजनीति वाले लोग रहे हैं। वो जब दूसरों को ज्ञान बांटते हैं तो थोड़ा हास्यास्पद है, जिस तरीके से हम देखते हैं कि उनके खुद के नेता, खुद के मंत्री जाकर ऐसे लोगों को फूलमाला पिलाते हैं जो इस तरीके की कांड करते हैं, हत्याएं करते हैं गऊ के नाम पे, बच्चों की सुरक्षा के नाम पे। अलवर में हमने देखा है क्या हुआ है, हमने ये भी देखा मोहम्मद अखलाक के जो अक्यूज से आरोपी थे उनको तिरंगा लपेट कर लेकर जाया गया। तो ये जो इनकी नफरत, घृणा, ध्रुवीकरण वाली राजनीति है वो सिर्फ ट्रेडमार्क भारतीय जनता पार्टी का है, तो दूसरों को आरोप देना बंद करें। धन्यवाद बात करने के लिए। और जिस तरीके से आरएसएस नेता जो यहाँ पर वो बयान देते हैं उसके बाद सियासत गर्म हो जाती है, उसी पर कहीं ना कहीं सवाल उठे हैं, लिहाजा कांग्रेस इस पर हमलावर है, बीजेपी से सवाल पूछ रही है। कैमरामैन गजेंद्र सिंह के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।